19 दिसंबर को जेडीयू की कार्यकारिणी की बैठक होनी है। उससे पहले कई तरह की खबरें जो हैं वो सामने आई हैं कि ललन सिंह जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उनके पद को लेकर कोई फैसला लिया जा सकता है। नीतीश कुमार जो है सीएम पद छोड़ सकते हैं, तेजस्वी यादव को सीएम बनाया जा सकता है। तो आखिरवार क्या होने वाला है 19 दिसंबर को जो बैठक होने वाली है उसमें? देखिए, अफवाहों पर पॉलिटिकल सिस्टम नहीं चलते हैं। एक दूसरा, पार्टी का जो आंतरिक एजेंडा है वो सलोनी जी के साथ मंच पर नहीं शेयर किया जाता है। हमारी 29 तारीख की बैठक है, पहले राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक होगी, सेकंड हाफ में राष्ट्रीय परिषद की होगी, और पिछले 6 महीने से यूं भी कोई बैठक नहीं हुई है। हम इंडिया पार्टनर हैं, लिहाजा उस संगठन को मजबूत करने के लिए और अपनी पार्टी को भी मजबूत करने के लिए हम मीटिंगें करते रहते हैं इसके प्रचार प्रसार को लेकर के। किसी का इस्तीफा नहीं हो रहा है, बोलिए बोलिए कंटिन्यू। ना किसी का इस्तीफा हो रहा है, ना कोई नाराज है, ना कोई सत्ता परिवर्तन हो रहा है। लिहाजा 29 तारीख के बाद इन सब चीजों पर विराम खुद लगेगा।